ये अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये चैप्टर नंबर 4 के नाम से है, या लेक्चर नंबर 4 के नाम से, मॉडर्न कंपाइलर। मॉडर्न कंपाइलर ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा कंपाइलर जो फ्रंट एंड और बैक एंड पर मुश्तमिल हो, उसको हम मॉडर्न कंपाइलर का नाम दिया था। और फ्रंट एंड जो होता है उसमें 4 फेज होती हैं, और जो बैक एंड होता है उसमें 2 फेज होती हैं। मेन के ये कंपाइलर का जो स्ट्रक्चर है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में। और ये जो कंसेप्ट था ये बैकस ने दिया था कंपाइलर का, तो वही वाला कंसेप्ट अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन ये है कि इस कंपाइलर के हमने 2 कंपोनेंट्स बना दिए हैं। एक का नाम बना कह दिया है फ्रंट एंड है, और दूसरे का नाम बैक एंड है। फ्रंट एंड जो होता है ये प्रोग्राम को रीड करता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करता होता है। अगर हमारे पास जो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, मेन कोई कोड वगैरह हमने लिखा हुआ है, तो जब हम उसको कंपाइल करेंगे विद थ्रू कंपाइलर, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। कंपाइलर एक फ्रंट एंड पर काम करता है, फिर एक बैक एंड पर काम करता है। फ्रंट एंड में 4 फेज होती हैं, और वो जो कोड लिखा हुआ होता है उसको हर फेज बारी बारी अपना वर्क करती है। वर्क करने के बाद एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट होता है, और उसके बाद जो बैक एंड होता है उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को लेता है, और उसके ऊपर 2 फेज अप्लाई की जाती हैं, और लास्ट पर जो हमारा टारगेट होता है मेन के असेंबली लैंग्वेज कोड, वो जनरेट होता है। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर का पहले देख चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। तो ये सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज मेन जो हमारा कोड होगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हमने असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसको हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिस तरह सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, जिस तरह जावा होगी, सी शार्प होगी, जो भी इस तरह हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जिसमें कोड हम कोई भी लिखते हैं, उसको हम सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, या सोर्स कोड कह सकते हैं, या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और उस कोड को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। वो कोड किसी भी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे स्टूडियो मुख्तलिफ होते हैं, वीडियो और भी मुख्तलिफ होते हैं। और वो जो कंपाइलर, इसके लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। ये दरमियान में सवालिया निशान है, इससे मुराद ये होगा कि हम कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। जब कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर उस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, और टारगेट लैंग्वेज मीन हमारे टारगेट हमारे पास हाई लो लेवल लैंग्वेज होती है मीन के असेंबली लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम कंपाइलर के एक कज़न है, वो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि एक कज़न ऑफ कंपाइलर 3 तरह के होते थे, और उसमें से एक कज़न ये था असम्बलर। असम्बलर जो कंपाइलर ने कोड जनरेट किया है असम्बली लैंग्वेज का कोड, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर जो कंप्यूटर होता है, और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को मिलाकर और इधर से मेमोरी से डाटा फेच करता है, उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और फिर रिजल्ट बार मेमोरी में स्टोर होकर हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब यहाँ पर जो कंपाइलर है इसको 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, और उसका नाम रखा गया मॉडर्न कंपाइलर। एक का नाम है, ओहो ये अपना कैंडल मैक ऑफ कर लीजिएगा, जिस तरह की बैकअप पर आवाज़ आती है ठीक नहीं है। एक का नाम है, एक फ्रंट एंड होता है और दूसरा बैक एंड होता है। आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट एंड में हमारे पास कुछ फेज आती हैं, और इस तरह बैक एंड में भी कुछ फेज आती हैं। तो आप में से कैंडल कोई नाम बता सकता है कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी फेज आती हैं? वैसे हमारे पास टोटल कंपाइलर में 6 फेजेज होती हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रंट एंड में कौन कौन सी फेजेज होती हैं, ये कोई बताएगा? जी वैसे सर, हमारे पास जो फ्रंट एंड है उसमें से पहला मुझे एक दो तीन मैं कह सकता हूँ, अगर ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो उसके लिए माफी। हाँ जी, तो हमारे पास लेक्सिकल लेक्सिकल स्कोप या फिर लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल होता है, एनालाइजर स्कोप और नहीं, एनालाइजर जी एनालाइजर जी एनालाइजर जी एक सेंटेक्स एनालाइजर होता है, एक जी सिमेंटिक। मैं से इन तीन का पेयर होता है, बाकियों का वो अलहदा पेयर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो मैंने बात करा था नहीं वो सर, टारगेट वो एक कोऑर्डिनेशन वाली, और दूसरे बच्चा आपने तरतीब आगे पीछे कर, तीसरा कोई और बच्चा बताए जी। मेरी आगे पीछे सर है। पहला लेक्सिकल एनालाइजर होता है, दूसरा शायद होता है वो सिंटैक्स एनालाइजर होता है दूसरा, और जी तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर था। जी जी उसके बाद सर कुछ कोड जनरेटर था, कोड इंटरमीडिएट जनरेटर आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जी सर, इंटरमीडिएट कौन कोड जनरेटर, फिर ये उसके बाद बच्चे ये इंटरमीडिएट कोड की फाइल जनरेट होती है। इंटरमीडिएट कोड और जनरेट हो जाता है बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी,
जी और फिर उसके बैकएंड बाद में देखिए वो बैकएंड कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोऑर्डिनेशन होती है। हाँ और उसके बाद फिर टारगेट लैंग्वेज जनरेट हो जाती है, मेन असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट हो जाता है यस सर, जी। इस तरह फ्रंट एंड और बैक एंड में फेजेस होती हैं, चार फेजेस फ्रंट एंड में वर्क कर रही होती हैं। और कौन सी हैं अभी आपका नाम जिस तरह आपने बताई है, एक इसके लिए मैंने पंजाबी में एक लफ्ज़ बोला था याद है आपको, कि आप अगर लस्सी का लफ्ज़ जहन में रखेंगे ना तो LSSI, यस सर, लस्सी। और एल से मुराद होगा इसके यस एब्रीवेशन फिर आप बना लें याद सर करने के लिए, एल से मुराद होगा लेक्सिकल एनालाइजर, एस से सिंटैक्स, फिर नेक्स्ट एक्स से सिमेंटिक, और आई से इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ये चार फेज को याद रखने का तरीका होता है, आप अगर ये एब्रीवेशन जहन में रख लेंगे जो कीवर्ड मैंने बोला है अभी, तो इस तरीके से आप फेज को फिर जहन में बिठा कर उसकी वर्किंग का भी आपको फिर आसानी से पता चल जाएगा। आज हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, प्रीवियस ये हमने इसमें फेज को डिस्कस किया था कि ये फेज के नाम थे हैं ये, लेकिन उसकी जो वर्किंग थी वो मैंने डिस्कस नहीं की थी, और आपको बताया था कि कौन सी फेज किस तरीके से वर्क कर रही है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिकली उन फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उससे पहले ये बैक थोड़ा आपको एक रिव्यू देना था कि कंपाइलर की कौन कौन सी फेज होती हैं। मॉडर्न कंपाइलर में दो चीज़ें होती हैं मेन कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में चार फेजेज आती हैं और बैक एंड में दो फेजेज आती हैं, और इस तरीके से कंपाइलर वर्क करता होता है। अभी ये देखें फ्रंट एंड में जो भी मैं बात कर रहा था कि चार फेजेज हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, और फिर बैक एंड में दो फेजेज इस्तेमाल हो रही हैं, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर। ये जो चार फेजेज हैं ये जब कोड के ऊपर वर्क करेंगे तो इन्होंने एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये एक कोड जनरेट हो जाएगा। और इंटरमीडिएट कोड से क्या मुराद था बच्चे, व्हाट इज इंटरमीडिएट वो कोड? जो हमारे पास इन बिटवीन सर कोड आ रहा था जिसको हम वो कह रहे थे, क्या नाम है अपना, इसी असेंबली असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट कर देता है सर, लैंग्वेज। क्या असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है उसको हम इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं? नो सर, मतलब कि इससे आगे जाते हैं ना हमारे पास। इंटरमीडिएट कोड इन बिटवीन कोड होता है, एक दरमियानी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कोड जो क्रिएट होता है वो ना तो सोर्स कोड होता है और ना ही टारगेट कोड होता है, बल्कि वो इन दोनों की कोई दरमियानी सी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम मजीद जिसके ऊपर फिर से अप्लाई करते हैं, फिर से अपना वर्क करते हैं, और फिर तब जाकर असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट होता है। तो उस कोड को हम क्या बोलते हैं, सर इंटरमीडिएट कोड। तो आज हम इस तरह करते हैं, ये जो फर्स्ट टू फेज हैं ये डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप पहले रोक कर मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जिस तरह आप अपने किसी भी स्टूडियो के ऊपर एक कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कोड से मुराद आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम से क्या मुराद है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं, जिस तरह का आप एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं, और मार्क्स लेने के बाद वो प्रोग्राम क्या करेगा, उनके एवरेज फाइंड करेगा, सम फाइंड करेगा, और परसेंटेज वगैरह फाइंड करेगा, या CGPA GPA वगैरह फाइंड करेगा। ये आप एक प्रोग्राम जिस तरह हम पहले भी काम कर चुके होते हैं, ये सेकंड थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम लिखना कूप में और फंडामेंटल में, तो हम भी इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे और उसको फिर देखेंगे कि कंपाइलर किस तरीके से फिर अप्लाई करता है और लास्ट पर जाकर असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। उस प्रोग्राम को हम एंड तक ले जाएंगे जब तक हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट नहीं होगा, ठीक हो गया? वैसे तो हमें तो बैकअप पे पता नहीं चल रहा होता है कंपाइलर किस तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन आज हम इसके बैकअप पे देखते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है उस प्रोग्राम के ऊपर, जो फेज का नाम हम पढ़ चुके हैं, हर फेज में किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो एक इसकी ऐसा हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज हमारे एंड तक जारी रहेगी जब तक ये जो टारगेट लैंग्वेज है ये जनरेट ना हो जाए, मेन असेंबली लैंग्वेज कोड जब तक जनरेट नहीं होता उस वक्त तक हम उसी प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। और ये जो स्लाइड नंबर 4 है इसके ऊपर शायद 2-3 लेक्चर लग जाएं, इसलिए आप ये अपना पहले से एक माइंड सेट कर लें, ठीक हो गया? आवाज़ आ यस रही, सर, ओके सर, आवाज़ आ रही है बच्चे? यस सो सर, तो नहीं गए? नहीं नो नो सर, सर, आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज, नो सुन सर, रहे हैं। जिसको जिसको नींद आ रही है ज़रा ऊपर हाथ करें, हैंड रेज करें। हाँ फिर उसके लिए हम कुछ सोने वाला माहौल पैदा कर देते हैं ना, ताकि हम बच्चों को परेशान तो नहीं ना करना चाहते। नहीं ये पीछे सर, सर नींद नहीं बच्चों आ में रही, वो खुद आ रहा है। सबने
सर नींद नहीं आ रही है सर। मैं आज वो क्लासेस सुबह 9 बजे चल रही है ना, 9:30 से, तो बस थोड़ी थकावट हुई थी। ये कौन सा आपने वो इस तरह कोई वर्किंग करने की आपको थकावट हो रही है? ये तो बस बैठ के सुनना होता है, जहाँ समझ नहीं आती आप पूछ लिया करते हैं। बाकी असल मसला तो टीचर के लिए होता है ना, वो बोल बोल कर थक जाता है बेचारा, ऐसे ही तो है ना। फिर थोड़ा सर यस सर, ये आराम बात से थोड़ा आराम कर लें आप, तबीयत ना खराब हो जाए आगे मौसम थोड़ा सा बस। वो। यस आज सर, सबसे पहले जो फेज है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करती है? ये बेसिकली इन ए कंपाइलर लीनियर एनालिसिस इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस और स्कैनिंग। फॉर एग्जांपल, लेक्सिकल एनालिसिस द करेक्टर इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट। जो कंपाइलर होता है इसमें एक एनालिसिस किया जाता है, लीनियर एनालिसिस किया जाता है, उसको हम लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं या फिर स्कैनिंग बोलते हैं। कंपाइलर में एक एनालिसिस किया जाता है किसी भी कोड का, किसी भी स्टेटमेंट का, जो हमारे पास कोड की वन होता है। जैसा कि ये एक आपके पास एक छोटा सा कोड नज़र आ रहा है कि पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60। पोजीशन, इनिशियल और रेट ये कोई वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, और काम क्या हो रहा है कि रेट में जो भी वैल्यू डिफाइन दी गई हो उसको 60 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और रिजल्ट जो होगा वो फिर इनिशियल की वैल्यू में ऐड करके, मतलब इन दोनों को ऐड कर देगा, इनिशियल और ये रेट और 60 का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पोजीशन में जाकर स्टोर करवा देगा। इस जो इस एक लाइन से जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड होगा, और ऐड करने के बाद फिर जो रिजल्ट फाइनल होगा वो पोजीशन में स्टोर करवाएगा। ये एक छोटा सा समझ लो आपका एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को हमने देखकर चलना है कि इसको किस तरीके से, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, इसको असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से लेकर जाना है। तो मुख्तलिफ फेज से ये गुजरेगा और तब जाकर इसका असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट होगा। क्लियर हुआ बच्चे? अब इसमें एक चीज़ हमने ये देखी है लेक्सिकल, सॉरी लीनियर एनालिसिस। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज लीनियर एनालिसिस? फिर मैं बताता हूँ कि लीनियर एनालिसिस क्या होता है, पहले आप बताएं जरा। इतना इस मामले में कुछ आइडिया नहीं है कि लीनियर एनालिसिस हाँ, क्या इस होगा मामले में आप कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं सर। कर। वर्ड से शायद पता चल रहा है कि ये ना स्टेटमेंट को एक साइड से स्टार्ट करेगा और उसके हर एक एक चीज को मतलब वो एनालिसिस करता जाएगा। वर्ड से तो वर्ड यही लग रहा है। से किस तरह पता चल रहा है यार? वर्ड में तो लीनियर लिखा के लीनियर फैशन में, तो क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में जा रहे हो? तो ये तो तो वही फिर कह रहा हूँ कि एक लाइन से मतलब लेफ्ट साइड से आप मतलब राइट की तरफ एनालिसिस करते जाओगे कि वेरी गुड बच्चे, आपका स्टेटमेंट में क्या कंसेप्ट क्या। वेरी गुड सी यार, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना। ये जैसे असम ने बात की है कि लीनियर का ये मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपका भी कंसेप्ट दुरुस्त है कि इसमें हम एक सेट स्टार्ट होते हैं और हर चीज़ को देखते हैं बारी बारी, हर चीज़ को देखते हैं कि ये क्या है, पोजिशन जो रफ जा रहा है ये क्या है, इसके बाद इक्वल आ रहा है ये क्या चीज़ है, इनिशियल जो आ रहा है, फिर उसके बाद ऐड का ऑपरेशन आ रहा है, फिर रेट का कीवर्ड आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा है, फिर 60 आ रहा है। तो हम ये जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और टॉप से लेकर बॉटम तक, बॉटम तक हम उस कोड को एनालाइज करते हैं एक दफ़ा, और उस एनालिसिस को हम बोलते हैं लीनियर एनालिसिस। इसमें अगर आप थ्योरी से हट कर मैं बात करूँ, सिंपल लफ्ज में आपको समझाऊँ, इसमें टोकन जनरेट किए जाते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन जनरेट किए जाते हैं। अब टोकन से क्या मुराद है कि ये एक जो लफ्ज आया है पोजीशन का, आप पोजीशन, इनिशियल और जो रेट है, ये जो तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं इनको हम आइडेंटिफायर बोलते होते हैं अपने इस टर्म में, कंपाइलर के टर्म में इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। वैसे तो हम वेरिएबल कह रहे होते हैं ना, अब जब कोड लिख रहे होते हैं कि ये वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करवाए हैं, डिक्लेयर किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन वेरिएबल को क्या कहेंगे? जी बच्चे, आइडेंटिफायर ये इनको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। इसमें तीन आइडेंटिफायर इस्तेमाल हुए हैं, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और एक ऑपरेशन है ऐड का, इस तरह एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, और एक नंबर आ रहा है 60। तो जब भी कोड लिखा हुआ आएगा कंपाइलर के, आप उस कंपाइलर के जरिए आप उसको कंपाइल करेंगे, तो जो पहली फेज होगी लेक्सिकल एनालिसिस की, वो उस कोड से टोकन जनरेट करेगी। अब टोकन क्या चीज़ है? टोकन का ये मतलब होता है कि जो ये लफ्ज़ आया है, ये पोजिशन की वर्ड एक आया है, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको समझेगा कि ये पोजीशन आइडेंटिफायर है इस तरह। फिर जो ये इक्वल का साइन आया है, इसका एक टोकन जनरेट करेगा और ये उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये एक
असाइनमेंट स्टेटमेंट है इस तरह से इनिशियल का कीवर्ड जब आएगा तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक आइडेंटिफायर है, मीन इसका टोकन जनरेट कर देगा। इस तरह फिर प्लस का जो साइन आया तो ये एक बता देगा कि ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस का है। इस तरह फिर रेट का जब कीवर्ड आएगा तो ये इसको अंडरस्टैंड करेगा और ये बताएगा लेक्सिकल की जो फेज ये बता देगी कि ये एक आइडेंटिफायर है और है क्या रेट। फिर इस तरह मल्टीप्लाई का साइन आया तो फिर यहाँ पर ये टोकन जनरेट करेगा और बताएगा कि ये मल्टीपल ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और है कौन सा मल्टीप्लाई का। फिर नंबर आ रहा है तो ये इसको भी आइडेंटिफाई कर देगा कि ये एक्सिस्ट नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है 60। तो इस तरह जैसे हमारे पास यहाँ पर तो ये सादा सा कोड था और इसको हम लेकर चलेंगे। जब आप कोड लिखते हैं अपने किसी भी स्टूडियो के ऊपर तो वहाँ पर बड़ा बड़ा आप कोड लिख रहे होते हैं, उसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, इफ एल्स आ रही होती है, लूप आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कोड के दौरान आ रही होती हैं। तो जो ये लेक्सिकल एनालिसिस की फेज है ये फिर उसको आइडेंटिफाई करता है। जब इफ का कीवर्ड आएगा तो ये बताएगा ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और है कौन सी इफ है, या एल्स इफ आए तो उसको भी ये आइडेंटिफाई करेगा ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और है कौन सी एल्स इफ। इस तरह लूपिंग जब लूप वगैरह आएंगे फॉर वगैरह इस तरह तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये लूप स्टेटमेंट है और है कौन सा लूप फॉर लूप है। तो टोकन जनरेट करने से मुराद ये है कि ये उनको आइडेंटिफाई करके बताता है हमें कि ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? यस सर। यस। क्या लेक्सिकल एनालिसिस की फेज क्या काम करती है सर? हर जो चीज आ रही है उसके अगेंस्ट, आइडेंटिफायर के अगेंस्ट या असाइनमेंट ऑपरेटर के अगेंस्ट, हर चीज के अगेंस्ट वो टोकन जनरेट करती है। टोकन जनरेट से मुराद ये है कि उसमें ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बताता है कि ये फलां चीज़ है। इस तरह कोई वेरिएबल आया तो ये उसको समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा कि ये आइडेंटिफायर है। मीन के आपने उस कोड में पूरे कोड में जो भी चीज़ आ रही होती है ये उनको उनका टोकन जनरेट करता है और बताता है कि ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। समझ आइए? अब ये एक सिंपल कोड था। जब बड़ा कोड होता है ये सिंपल कोड, मैंने इसमें छोटा सा कोड लिया है कि ताकि इसको फिर हमें समझाने में आसानी हो जाएगी, छोटा कोड होगा क्योंकि ये मुख्तलिफ फेज इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो तमाम फेज को जब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी तो इसके ऊपर फिर हम इसको अच्छा अंदाज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर उसके बाद कोई बड़ा कोड लेकर उसको भी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? और पेपर में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते होते हैं कि ये एक कोड है इसको आप कंपाइल करें और जितने भी फेजेज हैं तमाम फेज इसको गुजार कर असम्बली लैंग्वेज कोड कंस्ट्रक्ट करें, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते होते हैं। और अगर आप जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है कि ये जो कोड है इसको असम्बली लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, अलान करें, क्यों करें। तो इस वजह से ये जो आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे अंदाज में समझना है। तो फर्स्ट फेज में जब भी कोड लिखा हुआ आएगा कंपाइलर की फर्स्ट फेज उनके टोकन जनरेट करती है। अभी ये इस कोड में देखते हैं कि टोकन किस तरीके से जनरेट होंगे। सबसे पहले कौन सा टोकन जनरेट होगा? लेफ्ट से ये एनालिसिस करता है बच्चे लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये एक आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा कि पोजीशन एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ जनरेट होगी? अब देखें तो पोजीशन के बाद थोड़ी स्पेस है असाइनमेंट के लिए, पोजीशन के कीवर्ड के बाद थोड़ी स्पेस नजर आ रही है यहाँ पर, तो ये स्पेस को इग्नोर कर देगा। स्पेस को क्या करता है? इग्नोर करेगा और उसके बाद इक्वल का जो साइन है वो इसके लिए टोकन जनरेट करेगा और बताएगा कि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में टोकन जनरेट हुए हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। वुड बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टोकन, ये उनको इस तरीके से ग्रुपिंग करके एक टोकन जनरेट करता है। सबसे पहले क्या चीज़ जनरेट हुई है? आइडेंटिफिकेशन पोजिशन। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया कि पोजिशन एक आपके पास आइडेंटिफायर है। उसके बाद अगर हम इस कोड में देखें तो क्या चीज़ नज़र आ रही है? सेकंड पर इक्वल साइन, यस सर। तो फिर ये इसके लिए टोकन टोकन जनरेट करेगा और बताएगा कि ये असाइनमेंट सिंबल है और है कौन सा ये वाला, ये यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये कौन सी चीज़ है, असाइनमेंट सिंबल है और ये इस तरह, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इनिशियल एफ का कीवर्ड आ रहा है जी बच्चे। yes, तो यहाँ पर फिर आइडेंटिफायर करेगा इनिशियल, ये
इनिशियल एक आइडेंटिफायर है, फिर उसके बाद क्या चीज आ रही है? प्लस तो प्लस के लिए टोकन जनरेट होगा कि नहीं होगा? प्लस का साइन मुझे तो एक साइन आ रहा yes, है सर, होगा जरूर होगा सर, साइन एक साइन आ रहा है और साइन करना है ना जी। हर एक एंट्री के लिए उसने ये टोकन जनरेट करना है ना, तो प्लस के लिए भी करेगा जी जी बच्चे ऐसे है, हर के लिए उसने टोकन जनरेट करना है, प्लस का साइन जो भी आए इसमें हर चीज के लिए टोकन जनरेट करना है, एक्सेप्ट सिवाय किसके सिवाय स्पेसिस को उसने इग्नोर करना है, बाकी हर के अगेंस्ट उसने टोकन जनरेट करना है। तो प्लस का टोकन एक साइन आएगा, ये बताएगा कि एक साइन है और है कौन सा प्लस का, तो यहाँ पर साइन आ रहा है कौन सा है, प्लस साइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? यस सर, उसके बाद रेट सर, आइडेंटिफायर रेट। ये रेट क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर है, असाइनमेंट सिंबल क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर है सर जी, तो यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या चीज़, रेट, ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन सर, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन। फिर उसके बाद 60 सर नंबर आ रहा है, नंबर नंबर है और वैल्यू कितनी है? 60 सर, तो नंबर है और जो उसकी वैल्यू क्या है, 60 है। तो ये पहला जो काम, जो पहली फेज होती है उसका काम ये होता है जो आपको अभी नज़र आ रहा है कि इनकी ग्रुपिंग करके टोकन बनाता है कि ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़। इस तरह अगर आपके पास पूरा कोड लिखा हुआ आए तो आप उनके बता सकते हैं ना अपने कोड में कि जब मैं कहूँ कि इनको आप फिजिकली परफॉर्म करें और ये लेग्स कर्नर की फेज इस कोड के ऊपर अप्लाई करें, तो आपने अपने कोड से ऊपर स्टार्ट करनी है। अब मेन फर्ज कर लें, एक आपने yes, फार का एक फंक्शन बनाया, फार लूप लगाई हुई है, तो फार उसके बाद अंदर आकर कंडीशन वगैरह लगाई हुई है, नीचे भी आकर उसके प्रॉपर्टी में आकर कुछ चीज़ आपने डिफाइन की है, फिर उसको लॉक। सर एक क्वेश्चन है जी सर जी, ये जो हम न्यू लाइन पे जाते हैं, मतलब लाइन ब्रेक हो जाती है तो न्यू लाइन पे आते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करेगा ये? ये जब भी टोकन जनरेट करेगा उसका टोकन जनरेट नहीं होता, न्यू लाइन के लिए टोकन जनरेट नहीं होता, स्पेसेस और न्यू लाइन के लिए टोकन जनरेट नहीं होगा। हाँ ये है कि अभी तो हमें बस यही चीज़ देखने से पता चल रहा है ना कि ये इस तरह टोकन जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इसके बैकअप पे भी सबसे पहले इनको अरे कि अरे में स्टोर करवाया जाता है, पी पी को, ओ को, एस को, आई को, टी को, आई को, फिर ओ और फिर इन, यस सर, इन तमाम को एक अरे। ये मिर्ज़ा अरसलान ने जो सवाल किया इसी के अंदर चले आप बता लें, फिर मैं बाद में सवाल पूछता हूँ। जैसे ये पी है ना, तो पी को आप पहले अरे में स्टोर करवाते हैं, वो एक अरे टाइप बना हुआ था जिसमें हम अरे में नहीं डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, जो इसमें भी डाटा को स्टोर पहले करवाया जाता है और उसके बाद इसके टोकन जनरेट किए जाते हैं। तो इस तरह जब आप नई लाइन पर जाते हैं ना, अब यहाँ से फर्ज कर नीचे इधर कोड होता है, ये 60 के बाद नीचे यहाँ पर कुछ कोड होता, तो नई लाइन पर जाने के लिए वहाँ पर अरे में हम वो स्लैश एन करते हैं, ये एक नई लाइन के ऊपर जाएगा, और यहाँ अगर स्पेस वगैरह स्पेस वगैरह देने हो तो फिर वो स्लैश टी करते हैं, फिर एक टैब हमने दे दिए लिखने का। जब ये अरे एक और चीज़ है, एक मिनट बचे, एक मिनट, जब हम यस सर, जब हम अरे में इस तरह चीज़ें सारी लिख रहे होते हैं, पहले ये अरे में लिखता है, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती हैं कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर नई लाइन है, यहाँ पर इस तरह। लेकिन जब टोकन जनरेट होते हैं तो टोकन जनरेट करते हुए इन चीज़ों को ये इग्नोर करता है, सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है। सर अगर देखे ना, अगर ये उसका न्यू लाइन का टोकन नहीं जनरेट करता, तो अगर वो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट होती है, जो इफ़ एल्स होती है, इफ़ में अगर हम ब्रैकेट्स वगैरह ना डालें, तो इफ़ के जो फौरन बाद वाली स्टेटमेंट होती है ना, सिर्फ वही इफ़ के अंदर काउंट होती है। जी जी, तो अगर से वो हम उसको अगर एक लाइन स्पेस दे के न्यू नेक्स्ट लाइन पे लिख दें, तो वो इफ़ के अंदर वो लाइन काउंट नहीं होती, वो उसको एज इट इज़ रन कर देता है, वो इफ़ की कंडीशन उस पर नहीं अप्लाई होती, मतलब सेकेंड लाइन पे। इसी तरह का मेरा सवाल था कि हमने कहा था कि स्पेसेस को हम इग्नोर कर देते हैं, अगर हमें वो मेरे पास तो इसका ये होगा कि ये तो हमारे पास लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है, अगर हम पाइथन में बात करें उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगर आपने एक भी स्पेस जो है ना कम या ज्यादा की है